अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रहें। कुक विद रूमी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ लच्छेदार बतीसा। चलें रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, इसे मैं कढ़ाही में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी के मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं। घी मेल्ट हो गया है, इसमें मैं मेजरमेंट कप से 2 कप मैदा ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्री टेबल स्पून बेसन ले लिया है, ये भी मैं डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लो फ्लेम पे मैदे को और बेसन को भून लूँगी। मैदे और बेसन को भूनते हुए मुझे 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे मैं ठंडा कर लूंगी। अब हम शीरे की तैयारी करते हैं। शीरा बनाने के लिए मैंने 1.5 कप चीनी ले ली है भर के, 1/2 कप पानी। चीनी मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं। चीनी मेल्ट हो गई है, मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल रही हूँ। थोड़ी देर मैं शीरे को और पकाऊँगी। शीरा थोड़ा गाढ़ा हो गया है, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। चेक करने के लिए मैंने बाउल में थोड़ा पानी ले लिया है। अब मैं इसमें शीरा डालती हूँ और इसे मैं हाथ से उठाने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, शीरा मेरे हाथ में नहीं आ रहा है बल्कि पानी में मेल्ट हो जा रहा है। शीरा भी हमारा तैयार नहीं हुआ है। 3 से 4 मिनट के बाद शीरे को मैं दोबारा चेक कर रही हूँ। पानी में डालती हूँ शीरे को। इसे मैं अपने हाथ से उठाऊँगी। ये देखें, अब शीरा जो है वो हमारे हाथ में आ रहा है। देखें ये खींच रहा है, टूट नहीं रहा। इसका मतलब है शीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। शीरे को ठंडा करने के लिए मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूंगी। इसको मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। जब तक शीरा ठंडा हो रहा है, मैं रोस्ट किए हुए बेसन और मैदे को छान लेती हूँ। मैदे को और बेसन को मैंने छान लिया। शीरा भी बहुत गर्म है, इसलिए मैं इसे स्पैचुला की मदद से थोड़ा ठंडा करूँगी। इसे मैंने नॉन स्टिक पैन में रखा था, इसलिए देखें शीरा मेरा पूरा अच्छे से निकल गया है, बिल्कुल भी बर्तन में नहीं चिपका। अब मैं इसे हाथ में लेके स्ट्रेच करूंगी। इसे मैंने 20 से 22 दफ़ा स्ट्रेच कर लिया है। इसकी रिंग बना लूँगी मैं। इसकी रिंग बना ली है मैंने। मैदे और बेसन को जो मैंने भूना था उसे मैं इस पर डाल लूँगी। आधा मैं डालूँगी, आधा रख दूँगी। मैदे को पर डालकर मुझे हल्के हाथों से खींचना है इसे।
मैदा डालूंगी मैं। फिर मैं एक रिंग बना लूंगी। दोबारा मैदे को मैं इसके ऊपर डालूंगी। इसी तरह मैं रिंग बनाती जाऊंगी, खींचती जाऊंगी और मैदे को ऊपर डालती जाऊंगी, मैदे को और बेसन को। बाकी बचा हुआ रोस्टेड मैदा जो था वो भी मैं डाल देती हूँ सारा। बहुत ही ज़बरदस्त बतीसा तैयार हुआ है। देखें कितना लच्छेदार बतीसा हमारा तैयार हुआ है। इसे मैं अलग कर लूँगी इस तरह। बतीसे को शेप देने के लिए मैंने आइसक्रीम कप ले लिया है। इसमें थोड़े से पिस्ते और बादाम रख दूँगी मैं चॉप किए हुए, और ये जो मैंने तैयार किया था इसे हल्के हाथ से प्रेस करूँगी मैं। हल्के हाथों से मैंने प्रेस कर लिया है। बतीसा तैयार है। इसी तरह सारे तैयार कर लूँगी मैं। लच्छेदार पतीसा सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।